सोनीपत की एसटीएफ पुलिस ने काले रंग की फॉर्चूनर गाड़ी से 47 लाख रुपए की नकदी को बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने मनमोहन और अर्पित निवासी दिल्ली हौज खास से मुरथल थाना में दोनों व्यक्तियों से पुलिस और इनकम टैक्स के अधिकारी गहन पूछताछ कर रहे हैं। अर्पित और मनमोहन पुलिस को यह बताने में नाकाम साबित हुए हैं कि उनके पास यह धनराशि कहां से आई है। करें भाई सर, हाँ करो। जिस तरह से ये धनराशि पाई है, किसकी है, कहां से बरामद हुई है, कौन सी गाड़ी थी और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी, हमें एक आज सूचना मिली थी किसी इन्फॉर्मर के द्वारा कि सुखदेव ढाबे पर कोई ब्लैक रंग की फॉर्चुनर गाड़ी आएगी जिसमें काफ़ी सारा ब्लैक मनी है। अब उस सूचना के आधार पर हमने सुखदेव गाड़ी ढाबे पे जब ये ब्लैक रंग की गाड़ी आई तो हमने इसको राउंड अप किया, SHO मुरथल को मौके पे बुलाया, इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को मौके पर बुलाया। मौके पर बुलाने के बाद उसकी तलाशी ली तो तलाशी से करीब 47 लाख रुपए के आसपास उससे बरामद हुए गाड़ी में से। उस गाड़ी को कब्जे में लेके, पैसे को कब्जे में लेके अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलके जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसकी तो पैसा कहाँ से आया, कहाँ इसकी फंडिंग होनी थी, उन सब के बारे में अभी पता किया जाएगा। सर, ये जो अभी जो पैसा जी, ये दिल्ली के रहने वाले हैं मनमोहन और अर्पित नारंग करके इनके नाम है, और एक इनके साथ ड्राइवर था। ड्राइवर का तो ज़्यादा इशू नहीं है हमारे हिसाब से अभी तक। तो ये पैसा कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है, ये क्या करते हैं, कहाँ इसको पहुँचाने वाले थे, इन सभी के बारे में अभी पूछताछ की जाएगी। कुछ बता पाए हों ये इनका? नहीं, अभी कभी कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, एग्जैक्ट पोजीशन अभी पता नहीं चल पाई है। तो उसके लिए इनसे जनता से पूछताछ की जाएगी, इनकम डिपार्टमेंट के से भी मिलके जो भी इनसे इनके अकाउंट वगैरह चेक किए जाएंगे, इनकी ओर कहाँ कहाँ क्या रही है गतिविधि, उन सब के बारे में पता किया जाएगा। अर्थ प्रकाश के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।